अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज हमारी रेसिपी है जी चना पुलाव, तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है व्यूअर्स। इसमें हमने थोड़ी सी मस्तियाँ भी की हैं, तो ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चना पुलाव, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हमेशा में बहुत अच्छा है, मज़े का है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो जी सबसे पहले हमने प्याज लिया है, प्याज के अंदर ऑयल डाल दिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखेंगे व्यूअर्स, आपने ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि सो यमी ये चना पुलाव तो है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये जी हमारा प्याज होगा ब्राउन, तो इसमें हम ऐड करेंगे बाकी चीज़ें। और चनों को व्यूअर्स मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया हुआ है, और आपको मैं दिखाती हूँ कि कितने मतलब सॉफ्ट और कितने अच्छे बने हैं। इसे मैंने मीठा सोडा लगा के पहले ही, ये देखें जी कितने ज़बरदस्त, ये देखें ज़बरदस्त है। तो मीठा सोडा लगा के मैंने पहले ही इसे रख दिया था, फिर इसे अच्छी तरह से वॉश करके इसे बॉयल कर लिया है। तो जी ये डन है हमारे। चलें जी प्याज की तरफ चलते हैं। प्याज हमारे हो रहे हैं फ्राई, बस ये हल्के से सुनहरी होंगे, तो हम इसमें शामिल करेंगे अपने खड़े मसाले। व्यूअर्स आप रेसिपी देखा करें और बनाया भी करें और आगे शेयर भी किया करें, ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, तो काइंडली आपको पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी सी वीडियोस मिलती रहें। ये देखें जी हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। तो बाज़ औक़ात ऐसे बात करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ये देखें जी। बस इसे हल्का सुनहरी करना है क्योंकि हमने इसे ज़्यादा कलर नहीं देना, लाइट कलर देना है। देखें जी व्यूअर्स हमारे प्याज तकरीबन देखें सुनहरी हो चुके हैं, तो बस इसे थोड़ा सा और हम सुनहरी करेंगे, तो इसमें अपने खड़े मसाले शामिल करेंगे। तो बाज़ुकात तो ऐसा होता है कि मैं एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा होता है और एक हाथ में मैं अपनी रेसिपी बना रही होती हूँ, तो कभी इस तरह से हो कि आपको समझ ना आए तो वो माजरत है। तो कभी कभी मैं अपनी बेटी की भी मिन्नत कर लेती हूँ कि आ जाओ बेटा प्लीज़ कैमरे को ज़रा से पकड़ लें, तो बेटी बस बड़े मुश्किल से ही काबू आती है मेरे। तो आप भी बताइएगा आपके बच्चे भी ऐसे ही हैं। चलें जी सबसे पहले हम डालते हैं इसमें ये दो तीन दालचीनी की स्टिक्स जी, ये कड़ी पत्ता, इसमें जी जाएंगी एक अदद ये बड़ी इलायची, और जी इसमें जाएगी ये पांच अदद छोटी इलायची, और जी और इसमें लौंग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो आपने लाजमी डालनी है। ये जी इसमें हम जाएगा ये लौंग, और जी अब जाएगी इसमें ये काली मिर्च, और इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देते हैं ताकि हमारा प्याज जले ना। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया हमने, तो जी व्यूअर्स ये दो चम्मच हमने भर भर के ये डालने लहसुन और अदरक के, क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस तो पुलाव में ज़बरदस्त आती है। हाँ जी चने में, सॉरी, ये बाज़ का पता नहीं ऐसे होता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ जाते हैं, कोई बात नहीं, अब इग्नोर कर दिया करें इस बात को।
तो जी ये इसको हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे, फिर इसमें बाकी शामिल करेंगे अपने मसाले। अच्छा जी, तो मैं बता रही थी कि मेरी जो बेटी है तो वो तो बड़ी मुश्किल से मेरे कंट्रोल में, मतलब वो कहती है मम्मा गर्मी बहुत है मैं नहीं कर सकती, तो मैं फिर भी उसे एग्री करके चलो बेटा कर दो थोड़ा सा, तो एक हाथ से बनानी बहुत मुश्किल मुझे लगती है। तो जी ये देखें हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर 2 अदद, बस ज़्यादा नहीं करने इसके, ज़्यादा से खास नहीं हमने देनी। और जी 3 अदद बाजियान के फूल, इसमें जी ये पिसी हुई कटिंग की हुई 3 अदद बड़ी मिर्चें, और इस स्टेज में जाएगा ज़ीरा 1 चम्मच, और 1 टेबलस्पून सॉल्ट का शामिल करेंगे। बस जी इसको अच्छी तरह से हमने अब इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है। तो वैसे इस वीक आपके लिए सरप्राइज़ है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त, और ये आपने ट्राई ज़रूर करने, बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट सी बनेगी आपकी चना पुलाव एवें टाइम विद बिरयानी। ये हमने अभी नाम से लिया है चना पुलाव। ये देखें जी, ये देखें इसमें ही वो कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये बहुत जल्दी और बहुत इजी बन जाती है। वो इसमें तो व्यूअर मैं भूल गई, इसमें ये जी हमने शामिल किया है पुदीना खुश्क, इसकी भी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। ये जी मैंने पुदीना लेके तो उसको वॉश करके अच्छी तरह से, तो उसे ड्राई करके तो दूध में सुखा लिया था, तो भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है। आपको जब चाहिए तो आप फौरन निकाले, चटनी भी बन जाती है इसकी लगती है। स्टेज में हम 1 टेबलस्पून मिर्च का ऐड करेंगे, सूखी मिर्च का, आप चाहें चिली फ्लेक्स यूज़ कर लें, मैंने तो वैसे वही की है। अब जी इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे, अब इधर 2 मिनट इसे और करेंगे, फिर हम अपने शामिल कर देंगे चने, चने जो हमने पहले ही बॉयल किए हुए हैं। ये देखें जी हो गया ऐसे तकरीबन 2 मिनट, हम शामिल कर देते हैं चने। चने मेरे तकरीबन 1/2 kg के, और इसके जो पानी को आपने वेस्ट नहीं करना है, 1 गिलास हमने वही यूज़ करना है, और बाकी हम करेंगे नॉर्मल पानी यूज़, क्योंकि ज़्यादा अगर करेंगे तो चिपचिपे हो जाएंगे हमारे राइस। मेरे बच्चों को थोड़े से चने ज़्यादा पसंद है पुलाव में, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग है, आपके बच्चों को अगर ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है कम यूज़ कर लें। तो ये हमारा चना पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनेगा विद बिरयानी, जो भी खाना भी अच्छे।
ये देखें जी हमारे चने तकरीबन हो चुके हैं ब्राउन, कलर चेंज कर लिया है इसमें। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे चावल। ये मेरे हैं जी तकरीबन 3 गिलास से, इसको हमें शामिल कर देना है। और ये बहुत अच्छे बनते हैं और एंड पे तो बहुत ही इसका मज़ा आएगा। अब इसके अंदर देखें जी, ये मैंने चने वाला पानी था वो एक एक गिलास कर दिया है। तो ये मेरे 3 थे, तो मैं इसमें ऐड करूँगी जी 2, 3, 4 तकरीबन 4.5 पानी शामिल कर दिया। अब इसमें हम थोड़ी देर बाद नमक चेक कर लेंगे। नमक तो हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला था, अब इस स्टेज में हम आके नमक इसमें शामिल करेंगे। 1, 2 जी बाद में आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगा तो आप डाल दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। व्यूअर्स देखें, इसमें हमने अब शामिल करना है 1/2 लेमन, इसी से तो मज़ा आना है। ये देखें जी, ये 1/2 लेमन इसमें शामिल कर दिया है। तो आप इसी के इसका ये ज़ाया ना कीजिएगा, इसको भी अंदर ही रख दीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा है। ये जी 1/2 लेमन हमने कर दिया है। अब ये जी ज़रा पानी को खुश्क होने देते हैं, फिर अगला बताते हैं प्रोसीजर। ये देखें जी व्यूअर्स, हमारा पानी खुश्क हो गया ऑलमोस्ट। अब इसमें हम थोड़ा सा पुदीना मतलब गार्निशिंग करेंगे। और जी मेरे पास धनिया नहीं था, आप धनिया ज़रूर डालिएगा। ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची कर देंगे, इसी से तो टेस्ट मज़ा आना है। ये जी थोड़ा सा लीमू एक आधा है वो हम कर देंगे, टमाटर डाल देंगे। देखें जी क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आएगी, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। और जी इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये जी कर देंगे कलर, जर्दा कलर बिरयानी वाला। चलें जी अब इसे हम दे देते हैं, फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, हमने दही को फेंट लिया है, उसके अंदर हमने जी शामिल कर दिए, ये देखें जी खीरा, और कर दिया शामिल हमने प्याज। अब जी इसके अंदर शामिल होगा जी मेन इंग्रेडिएंट्स। ये जी मैंने घर में बनाई हुई है, ये मिक्स सारी पुदीना धनिया और रायता बनाया हुआ है, रायता मसाला। ये जी 1 चम्मच जाएगा और आपकी जी ज़बरदस्त किस्म का रायता तैयार हो गया है। देखिए जी, अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये यकीन माने झटपट तैयार होने वाला रायता है। तो इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच हम और शामिल कर देंगे, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसमें। देखें जी कितनी खूबसूरत इसकी देखें जी लुक आ गई है। आपको कोई चीज़ कूटने की ज़रूरत नहीं पेश आई, कोई चीज़ नहीं आपने डालनी है। इसमें नमक भी शामिल ही है, तो अगर फिर भी आपको कम लगे तो थोड़ा सा टेस्ट करके आप डाल लीजिएगा। नमक मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट कम लग रहा है, तो मैं जी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट शामिल कर देती हूँ। तो मैं जी ये देखें जी ज़बरदस्त सा हमारा रायता तैयार है जी। अगर आपके पास पुदीना हो, थोड़ा सा पुदीना डाल दें ऊपर से 1-2 पत्ते गार्निशिंग के लिए। तो जी मेरे पास भी शायद 1 आधा पड़ा हो थोड़ा सा। देखें जी ज़बरदस्त, ये देखें जी क्या खूबसूरत इसकी शक्ल आ रही है। तो आप ये इस पुलाव के साथ ज़रूर ट्राई करना है जी। तो हमारा बना है चना पुलाव विद बिरयानी एंड चने। चलें जी व्यूअर्स, अब आपको फाइनल टच दिखाते हैं अपने पुलाव की भी। व्यूअर्स हमारी ज़बरदस्त सी पुलाव चना बिरयानी तैयार है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो जी इसके ऊपर एंड वाला तो हम भूल ही गए, जो ज़बरदस्त इसकी वो हमने करनी है। थोड़ा सा आपने लेना है और थोड़ा सा चाट मसाला को थोड़ा सा हल्का हल्का सा, ओहो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो चलो जी व्यूअर्स, मैं आपको खा के बताती हूँ कैसी बनी है, और आपने ज़रूर ट्राई करनी है ज़रूर ज़रूर।
जी ये देखें जी कितनी इसकी सुपर देखें आ रही है। ये देखें बहुत गर्म थे बहुत गर्म थे मुंह से खत्म होगा भी और मैं तारीफ करती हूँ इसमें। यकीन माने बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस और क्लास बनी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अब ये मैं ज़रा से अपनी बेटी को टेस्ट करवा लूँ और मुझे बताएगी कैसी बनी है। लो बेटी खा के देखता हूँ कैसी बनी है। बोले ये कैसी बनी है? बहुत मज़े की बनी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। थैंक यू। बस जो है ये हमें थोड़ा थोड़ा तंग करती रहती हैं, बस वीडियो के मामले में वीडियो बना दो। चलें जी व्यूअर्स, नेक्स्ट रेसिपी पे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।